राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांजरा में सीसी रोड में पाई गई भारी अनियमितताएं। पंचायत सचिव कन्हैयालाल यादव का कहना है कि रोड 8 इंची बनाया जाना था गाइडलाइन अनुसार, किंतु सरपंच राजकुमारी के पति बबलू लववंशी के द्वारा 4 इंची रोड निर्माण किया जा रहा है। रोड की दोनों साइड लगाकर दर्शाया जा रहा है 8 इंच सीसी रोड के बीच में सूखी गिट्टी डाली जा रही है। सीसी रोड निर्माण में घटिया सामग्री के साथ मिट्टी वाली रेत का भी प्रयोग किया जा रहा है। नरसिंहगढ़ जनपद सीईओ राजीव मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है, मामला संज्ञान में लिया गया है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जनपद महोदय, नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत पांजरा में जो भी वर्तमान में जो रोड बन रहा है वो 15वें वित्त आयोग के द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? आपने अभी इस रोड के बारे में बताया है, अभी सहायक मंत्री से बात हो गई इनकी, उनके द्वारा बताया गया कि एक घंटे में इसको देख के बता रहे हैं कि कैसी क्या स्थिति है और क्या उसमें विपरीत स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसको ठीक किया जाएगा और निर्मित होगी। वर्तमान उसकी राशि स्वीकृत राशि किस मत से हुई इसकी जानकारी अभी नहीं है, एक घंटे दो घंटे बाद जैसे जानकारी आती है तो उसका पता चलेगा। और उसके रोड सीसी रोड की मोटाई कितनी क्या निर्धारित की गई है विभाग के द्वारा गाइडलाइन? दो प्रकार की होती है, एक सीसी रोड होती है कि जिनमें जो है तो एकदम से प्रेस रोड होती है वो 8 इंच की होती है जी। एक रोड होती है जो पूर्व में खड़ंजा या पूर्व में कोई बेस उसका बना होता है उसमें 4 इंच की सीसी रोड होती है। दो तरीके की होती है, अगर ये एकदम से फ्रेश रोड है तो उसकी 8 इंच की होनी चाहिए। वो फ्रेश रोड है उसमें सूखी गिट्टी भर के साइड उसको सहायक यंत्री हमारे दिखवाई दे रहे हैं, उसमें जो भी कभी उसमें सुधार किया। आपको वीडियो भी बताया गया हमारे पत्रकार साथी के द्वारा, इंजीनियर से वेरीफाई करा के ही बता पाए ठीक है, उसको हम अपने सहायक यंत्री और उपयंत्री से वेरीफाई करा के। दो दिन में रोड बंद पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या आपको? आज ही उसकी जाँच की जा रही है, उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, हम लोग चिंता कर रहे हैं। ठीक है। राजगढ़ जिला ब्यूरो, ब्रिजमोहन सूर्यवंशी।